गिल है कि मानता नहीं, शतक ठोक तोड़ा कंगारुओं का घमंड। टीम इंडिया ने किया ऐसा पलटवार, गिल पुजारा के बाद छाए विराट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट का तीसरा दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तीसरे दिन की शुरुआत 36 रन के बाद से की और दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह संभल कर खेला और लगातार रन बनाते गए। इस बीच रोहित शर्मा ने कई बेहतरीन शॉट्स भी लगाए, लेकिन रोहित मैथ्यू कुन्हेमैन की गेंद पर आसान सा कैच दे बैठे और 35 रन बनाकर चलते बने। लेकिन दूसरे छोर से शुभमन गिल लगातार दमदार शॉट्स खेलते रहे। रोहित के आउट होने के बाद दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए चेतेश्वर पुजारा ने शानदार पारी खेली, लेकिन असली कमाल तो शुभमन गिल ने किया। गिल ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक ठोक कंगारुओं का घमंड चकनाचूर कर दिया। केएल राहुल को रिप्लेस कर टीम में अपनी जगह बनाने वाले गिल ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को खूब नचाया और एक छोर से पूरी तरह जमे रहे। सीरीज में पहली बार बल्लेबाजों की मदद कर रही पिच पर कंगारुओं के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने भी कमाल का खेल दिखाया। विराट भी लंबे समय बाद फॉर्म में नजर आए और सीरीज में पहली बार 50 रन का आंकड़ा पार किया। लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी पारी खेलने के लिए जूझ रहे कोहली को आखिर थोड़ी सफलता मिली। कोहली के लिए ये 50 बेहद अहम है, क्योंकि इसके लिए उन्हें 14 महीनों का इंतजार करना पड़ा। विराट कोहली के टेस्ट करियर में अर्धशतक के बिना यह सबसे लंबा दौर रहा है। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों ने तीसरे दिन कमाल की बल्लेबाजी की, जिसका नतीजा ये रहा कि दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट गंवाकर 289 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के 480 रन के जवाब में टीम इंडिया अभी भी 191 रनों से पीछे है। विराट कोहली क्रीज पर फिलहाल 59 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं रविंद्र जडेजा 16 रन पर नाबाद हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में अपने शतकों का सूखा खत्म कर पाएंगे? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।